नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मित्रम में। जानिए किस ग्रह की वजह से आप हैं मोटापे का शिकार। क्या आप मोटापे से परेशान हैं? जिम में लाख पसीना बहाना भी काम नहीं आया तो आप इस समस्या का हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी तलाश सकते हैं, क्योंकि आपकी राशियों में छिपा है मोटापे का राज। ज्योतिष आचार्य पंडित दयानंद शास्त्री के अनुसार मोटापे की समस्या अधिकतर मेष, वृष, मकर, कर्क, वृश्चिक, तुला व मीन राशि के जातकों में पाई जाती है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मोटापा घटता व बढ़ता रहता है। लग्न में जलीय राशि जैसे कर्क, वृश्चिक, मकर, मीन आदि हो, या फिर इन राशियों के स्वामी लग्न में शुभ हो, तो यह भी आपके मोटापे की वजह बन सकता है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण हो तो भी जातक अत्यधिक मोटा या पतला हो सकता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पूर्णिमा के दिन जन्मे जातक अक्सर मोटे होते हैं, जबकि अमावस्या के दिन जन्मे पतले। विवाह के बाद यदि चंद्रमा, शुक्र व बृहस्पति मजबूत हों तो जातक मोटा होता है। यदि शुक्र कमजोर हो तो विवाह उपरांत कमजोर हो जाते हैं। वैसे तो राहु जातक को पतला रखता है, लेकिन यदि साथ में बृहस्पति हो तो जातक के मोटा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बृहस्पति आपकी भूख को बढ़ाता है तो राहु आपको अनाप शनाप तेलिये व तामसी प्रवृत्ति के गरिष्ठ भोजन करने की ओर प्रेरित करता है, जिससे आपके मोटा होने के आसार बढ़ जाते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री के अनुसार यदि कुंडली में बृहस्पति खराब हो या बुरे भाव का स्वामी होकर उच्च राशि में स्थित हो तो वजन तेजी से बढ़ता है। जब जब गोचर में बृहस्पति लग्न, लग्नेश तथा चंद्र लग्न को देखते हैं तो वजन बढ़ने लगता है। यदि चंद्र 1, 5 या 9वें भाव में है तो वसा की मात्रा शरीर में अधिक रहती है। यदि चंद्र मजबूत और सकारात्मक है तो व्यक्ति मोटा तो होता है, परंतु फुर्तीला अधिक होता है। चंद्र और शुक्र से अत्यधिक प्रभावित व्यक्तियों की वसा जल्द बढ़ जाती है। ये दोनों ग्रह वसा में वृद्धि करते हैं, लेकिन आकर्षण में कमी नहीं करते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री ने बताया कि अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में शुभ भाव का स्वामी होकर शुभ भाव में स्थित है तो मोटापे से जुड़ी चिंताएं बढ़ाता है, लेकिन जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति इसके विपरीत होने पर काफी हद तक मोटापा नियंत्रण में रहता है। शुक्र, शुक्र सभी प्रकार के मीठे पदार्थों और स्टार्च तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। यह खाने की आदतों को बढ़ाता है, हर तरह के खाने का स्वाद लेने का स्वभाव देता है। इसका सीधा प्रभाव वजन को तेजी से बढ़ाता है, परंतु ऐसा व्यक्ति मोटा होने पर भी सुंदर होता है। मोटापे के कारण उसका शरीर बेडौल नहीं होता है। मंगल, मंगल ग्रह ऊर्जा, जीवन शक्ति और इच्छा शक्ति का प्रतीक ग्रह है। सभी खिलाड़ी, एथलीट, सैनिक और मजबूत कदकाठी के व्यक्ति इसी ग्रह से प्रभावित हैं। मंगल का मजबूत होना मोटापे को व्यक्ति से दूर रखने में सहयोग करता है। चंद्र, चंद्र ग्रह भी मोटापे का मूल कारण है। चंद्रमा की स्थिति शरीर में जल का निर्धारण करती है, जिसके कारण शरीर में पेट का निकलना और वजन में वृद्धि होती है। यह शरीर में सारे द्रवों यानी तरल का भी कारक होता है, यानी तरल का भी कारक है। शनि, शनि ग्रह विषाक्त पदार्थों को जमा करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है और वजन घटाने के कारणों का विस्तार करता है। शरीर में विषाक्त पदार्थों का बढ़ना व्यक्ति को सुस्त बनाता है और कई रोगों के जन्म का कारण भी बनता है। बुध, बुध ग्रह से पीड़ित व्यक्ति को मोटापा अपने प्रभाव में लेता तो अवश्य है, परंतु व्यक्ति इसे प्रयास द्वारा कम करने की क्षमता भी रखता है। यह व्यक्ति में वजन को सहज कोशिशों से घटाने का गुण देता है। सूर्य, सूर्य ग्रह वजन कम करने की प्रवृत्ति देता है। ग्रहों की युति और स्थिति भी मोटापे को प्रभावित करती है। यदि बृहस्पति जन्म पत्रिका में अस्त या वक्री हो तो पाचन तंत्र के विकारों के कारण मोटापा होता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरु लग्न भाव को पंचम, सप्तम या नवम दृष्टि से देखते हैं, उन व्यक्तियों को मोटापे की समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है। जिनका लग्न स्वामी बृहस्पति होता है, उनका शरीर विशाल होता है। ये खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन इन्हें तामसिक भोजन की जगह मीठा और नमकीन ज्यादा पसंद होता है। इस अंगूठी को धारण करने से दूर होता है मोटापा।
किसी भी रविवार के दिन काले रंग का धागा लेकर उसे अनामिका उंगली में लपेटकर उसके ऊपर रांगे की धातु से बनाई गई अंगूठी धारण कर लें। अंगूठी इस प्रकार पहने कि धागा दिखाई ना दे। यह अंगूठी सोना चांदी बेचने वालों की दुकान पर सरलता से मिल जाती है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।